गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके होस्ट एंड दोस्त कृति शाह। आज हम चार टाइप की चटनियाँ बनाएंगे जो आप वड़ा पाव और बहुत सारे चाट में भी बना सकते हो। पहले हम ग्रीन चटनी बना देते हैं धनिए की। उसके लिए मैंने एक कप धनिया लिया हुआ है मिक्सिंग जार में। ये सब बिना लहसुन के बना रहे हैं जैन चटनियाँ। फिर उसमें कड़ी पत्ता डालेंगे 4 से 5। हरी मिर्ची ली हुई है मैंने 3। फिर उसमें रोस्टेड चना डाल डालेंगे 2 चम्मच। उसके बदले आप सींग भी ले सकते हो। फिर नमक डालेंगे 1/2 चम्मच और जीरा डालेंगे 1/2 चम्मच, शक्कर डालेंगे 1/2 चम्मच और नींबू का रस डालेंगे 1/2 चम्मच और उसमें 1/4 ग्लास जितना पानी डाल के उसे ग्राइंड कर लेंगे। अब हम ग्राइंड करके उसे अच्छे से पेस्ट बना लेनी है। तो हमारी ग्रीन चटनी बनके रेडी हो गई है। अभी हम रेड स्पाइसी चटनी बनाएंगे जो नॉर्मली लहसुन की चटनी होती है बाहर, उसको मैं जैन वे में बनाऊंगी बिना लहसुन का। उसके लिए मैंने 2 चम्मच तेल लिया हुआ है। उसमें मेथी सांभर मसाला डालेंगे 1 चम्मच और 1/2 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे। नमक डालेंगे 1/4 स्पून और उसे अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट गर्म करेंगे। आप चाहे तो पानी भी डाल सकते हो अगर आपको ज़रूरत लगे तो। हमारी रेड चटनी रेडी हो गई है। अभी हम ड्राई चटनी बनाएंगे पाउडर फॉर्म वाली जो हम नॉर्मली वड़ा पाव में इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए मैंने 3 चम्मच बेसन लिया हुआ है। उसमें नमक और हल्दी डालेंगे 1/4 चम्मच जितना और 3-4 चम्मच पानी डाल के उसको बैटर रेडी कर लेंगे बेसन का। इस तरह से लम्स फ्री बैटर रेडी कर लेना है इसके। ये चटनी नॉर्मली वड़ा पाव में इस्तेमाल होती है ड्राई लहसुन की चटनी जो हम जैन बना रहे बिना लहसुन का। फिर एक पैन में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। छन्नी रख के इस तरह से हम बेसन पोर कर लेंगे उस पर और फिर बेसन का चूरा रेडी कर लेंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। गोल्डन क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है चूरे को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको पता ही आपको क्या करना है, लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ले तो आपको जैन रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अभी नेक्स्ट वीडियो में बॉम्बे स्ट्रीट स्टाइल वड़ा पाव डालने वाली, तो सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कर ले। अभी गोल्डन क्रिस्पी हो गए हमारे चूरे तो अभी मैं उसको बाउल में निकाल लूँगी। अभी हम चटनी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने मिक्सिंग जार में चूरा लिया और बेसन का, उसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच और आमचूर पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच और उसे ग्राइंड कर लेंगे। मैंने इसमें नमक नहीं डाला क्योंकि हमने चूरे में ऑलरेडी डाला था। स्ट्रीट स्टाइल ड्राई वड़ा पाव चटनी रेडी हो गई है। अभी स्वीट चटनी बनाएंगे लास्ट में। तो उसके लिए 1 ग्लास पानी लिया होता, उसमें खजूर डाला है। खजूर के मैंने बीज ऑलरेडी निकाल दिए थे और 1/4 कप गुड़ डालेंगे उसमें। फिर नमक डालेंगे 1/4 चम्मच या टेस्ट के अकॉर्डिंग और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब उसको थोड़ा खट्टापन चाहिए तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो इसमें। इसे हम उबालते रहेंगे जब तक हमारा खजूर सॉफ्ट ना हो जाए और गुड़ हमारा मेल्ट ना हो जाए पानी में, और फिर उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक बार ठंडा हो जाए फिर हैंड ग्राइंडर से इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे और उसकी चटनी रेडी कर लेंगे। अब चाहे तो इसमें पानी भी डाल सकते हो अगर गाढ़ा बन गया है तो। हमारी चारों चटनियाँ रेडी हो गई है। ताड़ा बाय।